दोस्तों, जो मात्र 5,000 रुपये में शुरू होने वाला बिजनेस आज लेके आया हूँ, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर लगाना चाहिए और कैसे हमारे को रिजल्ट मिलेगा, कितनी हमारी अर्निंग होगी, आज हम स्टूडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये कौन सा बिजनेस है, कैसे हम स्टार्टअप करेंगे, गाँव या शहर में लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, सारी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया आज की हम स्टूडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप ये बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो महीने के आप 25,000 से 30,000 रुपये कमा सकते हो। चलो दोस्तों, ये बताते हैं कौन सा बिजनेस है, कैसे आपको स्टार्टअप करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, समझाते हैं। चलो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम देवेंद्र, मैं राजस्थान के छोटे से राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज मेरा यही टारगेट है भाई साहब, आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ में कैसे बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे, यानी मात्र 5,000 रुपये में कैसे आप बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, बिजनेस को लगाएंगे और कैसे आप अर्निंग करेंगे। आपने देखा होगा कि अपने गाँव में, अपने शहर में, छोटे छोटे इलाकों में ये जो आपको मिलता होगा ATM का और ATM आधार, ऐसे जो आपको देखने को मिला होगा, बोर्ड मिला होगा, ये बोर्ड सच में आपको काम करते हैं और इसमें आपको अच्छी खासी कमाई होती है, सच में होती है। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ इसमें, कि आधार कार्ड से पैसों का लेन देन करना है, किसी का जमा करना है, या जो उनको जमा पूंजी को कैसे निकालना है, ये सारी ये जो इसमें क्राइटेरिया होते हैं, तो सिर्फ जो आधार कार्ड के हिसाब से ही उनको लेन देन का काम होता है। ये जो आपको ID आपको नॉर्मल और फ्री से फ्री मिल जाएगी, बहुत सी ये जो आइडियाँ होती हैं जो अलग अलग होती हैं, इंटरेस्ट मुद्रा होती है, फिनो बैंक होता है, अलग अलग जो आपको ये जो पॉइंट होते हैं BC पॉइंट मिल जाएंगे आपको और फ्री में मिल जाएंगे। इसके साथ में आपको प्रचार करने के लिए बोर्ड वगैरह और जो फ्लैग्स वगैरह जो भी आपको बाहर अपने दुकान के बाहर लगाना है, ये सब आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या जरूरत रहेगी। आपका एक फ़ोन हो गया, दूसरा जो आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप कोई जरूरत नहीं है, आपके पास में फ़ोन है तो बेहतर, अच्छी बात है। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट जरूरत है, कम पैसा चाहिए आपके पास में, कोई ज़्यादा जो बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ा जो पैसों की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है। आपके पास में जो भी फोन है उस फोन को लेके सिर्फ ID ले लेना है। ID लेने के बाद आपको सिर्फ जो अपने को एक मंत्रा डिवाइस खरीदनी होगी, जो मात्र जो आपको 2100 या 2200 1800 रुपये में मिल जाएगी कम से कम प्राइस में, और अच्छी सी क्वालिटी मिल जाएगी। अभी इस मंत्रा डिवाइस को अपने फोन में कनेक्ट करना है और जो आपको एप्लीकेशन दिया गया है, ID दी गई है, जैसे फिनो बैंक की है, इंस्टेंट मुद्रा की है, वो आपको मिल जाएगी। अभी जो ID कैसे लेना है, तो आप जो गूगल पे सर्च कर सकते हो भाई कि फिनो बैंक के ID लेने के लिए क्या करना है, या जो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, इन जो भी जो आइडियाँ होती हैं जो आपको BC पॉइंट मिलते हैं, जो ये आपको फ्री में मिल जाएंगे, आपके जो आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको प्रोवाइड करा देगी बहुत सी कंपनियाँ हैं जो। अब ये जैसे आपको जो प्रोवाइड कराती हैं, तो उसके बाद में आप लेन देन कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर का आधार से जो फिंगर लगा के आपको पैसा को लेन देन कर सकते हैं। अब जिस जो आप जैसे जो 10,000 का ट्रांजेक्शन किया, तो 10,000 में जो भी आपका कमीशन होगा वो आपको मिलेगा, यानी 5%, 7%, 10% तक होता है। तो अलग अलग जो बैंक के अलग अलग होते हैं, जैसे कि फिनो बैंक के हुए, इंस्टेंट मुद्रा हो गया, SBI के हो गए, अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग जो पॉइंट मिलते हैं जो आपको पैसा मिलता है। अब मैं आपको नॉर्मल बताऊं, यदि आपका जो टर्नओवर 1,00,000 रुपये 2,00,000 रुपये का महीने के में जा रहा है, या जो फिर उससे भी ज़्यादा जा रहा है, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, ये तो यदि इससे ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपका जो महीने का 10,00,000-20,00,000 रुपये का जा रहा है टारगेट, यानी जो महीने में आपका जो निकाल रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ आप 20,000 से 25,000 रुपये आराम से इजीली तरीके से कमा सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी कमाई होने वाली है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है भाई साहब, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़, बहुत से लोग कहेंगे भाई साहब आपने 5,000 रुपये के मेरे को इन्वेस्टमेंट का लेकर बोला है और हम कैसे जो कस्टमर को पैसे देंगे, तो अब मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। आपके गांव में जो बहुत से बड़े बड़े सेठ होते हैं या बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, जिनको जो पैसे पड़े होते हैं उनके पास में, बट वो जो इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, या आप ऐसे जो किसी मेंबर को पकड़ सकते हो जो कह सकता है कि भाई साहब मेरे आपको लेन देन करना है, जो भी आपको कमीशन होगा उसमें मैं आपको 2%, 3% जो भी आपको दूंगा उसका दूंगा, यानी आप किसी भी ब्याज पे भी लेके आप ये काम शुरू कर सकते हो। शुरुआत में आपको दिक्कतें आएंगी, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, यदि आपको 2% भी ब्याज ले रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2% ब्याज से भी आप बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। यूँ आपके पास में पैसा आ गया है, पैसे आप लेन देन कर सकते हो और स्टार्टअप कर सकते हो। जब आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है, 1 महीने 2 महीने तक आपको ब्याज देना है, ब्याज देते रहना है, और उसके बाद में आपको जो पैसा पूरा हो जाता है तो आप वसूल कर देके उस जो पार्टी को दे सकते हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बिजनेस बहुत अच्छा खासा है और इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। ये बिजनेस आपके गांव में, शहर में, जहाँ पे आप रहते हो, इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो और इससे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इस बिजनेस की मैंने आपको जानकारी दी है, ये अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं भी खुद जो अपने दोस्तों से ही सीखा हूं और ये बिजनेस मैं खुद कर रहा हूं, बहुत से जो कस्टमर का मैं खुद जो लेन देन करता हूं, पैसों का लेन देन करता हूं, निकालता हूं उनको, तो जो भी मेरे को मिलता है 100, 200, 300 रुपये पर डे मेरे को मिल जाता है, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। तो ये भी मैंने आपको एडवाइस दी है, तो इसे ज़रूर अपने फॉलो करना और अपने दोस्तों को भी बताना कि ये भाई साहब ये ऐसे कर सकते हैं और इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, यदि आप दोस्तों के पास में जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नए एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।